एडोलेसेंस या यौवन अवस्था यह एक ऐसी अवस्था है कि जब बच्चियों में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलाव के चलते टीनेजर्स में कई तरह के स्त्री विशेष या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस ना होने की वजह से या डर की वजह से या कह लीजिए एम्बेरसमेंट की या शर्म की वजह से, लज्जा की वजह से हम जो बच्चे होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं और उनका सही समय पे इलाज नहीं हो पाता है और जिसका नतीजा हमें आगे की लाइफ में दिखता है कि हमारे प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने के लिए आज का टॉपिक है एडोलेसेंस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन एडोलेसेंस। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल वीवा वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में कई तरह के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इन सब में जो मेन दो चेंजेस है वो है, जो दो प्रॉब्लम्स हमें समझ में आती है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो है एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और दूसरा होता है ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अगर हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि मेनोरेजिया यानी कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, जैसे कि मैंने आपको अपने जो माय फर्स्ट पीरियड ये जो हमारा वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल पीरियड्स कैसा होना चाहिए करके, लेकिन जब किसी को हैवी ब्लीडिंग होता हो हर 2 से 3 घंटे में आपका सैनिटरी पैड पूरा फिल हो जाता हो और आपको नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होता हो तो उसे हर 15 डेज से अगर आपकी साइकिल आती हो तो उसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। या इरेगुलर पीरियड्स हो कि आपके 45-60 डेज तक पीरियड्स आते ही नहीं है, काफी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, उसी तरह पीसीओडी जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं कि जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं काफी, या फिर डिसमेनोरिया कि जिसमें पीरियड्स के समय हमें काफी पेट में दर्द होता है, गर्ल्स अपने रूटीन वर्क पे नहीं कर पाते हैं। तो यह जो सब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, मेनोरेजिया, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, डिसमेनोरिया, यह हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में आते हैं जिनके सेपरेट वीडियोस मैंने अपने इसमें बनाए हुए हैं और जिनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर हम इन प्रॉब्लम को समय रहते इसका इलाज नहीं कराएंगे तो इसके हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के हमारे लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेनोरेजिया की वजह से हमें एनीमिया जो होता है, हम देखते हैं कि काफी यंग गर्ल्स में ये एनीमिया की प्रॉब्लम पाई जाती है यानी कि खून की कमी, क्योंकि उनको ब्लड लॉस इतना होता है, वो घर में शेयर नहीं करती है, डॉक्टर के पास सही समय पे जाते नहीं है और हेवी ब्लीडिंग की वजह से, ब्लड लॉस के वजह से उनमें एनीमिया जैसे सिम्टम्स, काफी प्रोलॉन्ग समय तक एनीमिया जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसी के साथ जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चेंज हो या बदलाव हो तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं तो हमारा एक साइकोलॉजिकल भी उसका इम्पैक्ट होता है और हमें मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी फेस करना पड़ता है। जब पीरियड्स हमारे रेगुलर ना हो उस तो हमें एक इरिटेबिलिटी रहती है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा ध्यान ठीक से रहता नहीं है। पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स हो तो उसकी वजह से ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, एक्ने होता है, हेयर फेशियल हेयर ग्रोथ होती है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमें मैरिड लाइफ के बाद समझ में आती है कि जिसका रिलेशन जो होता है वो फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स इन सबका अगर हम समय चलते इलाज नहीं करेंगे, और वैसे ही आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन और इसकी वजह से जो मैरिज का एज है वो थोड़ा पहले से जो है वो आगे की तरफ चले गया, लेट एज में मैरिजेस होती है और अगर हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगे तो हमें उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए हमें काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें समय रहते इन सब परेशानियों का डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए, इन्हें कभी भी हमें टालना नहीं चाहिए। जैसे ही हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में तो हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है ताकि हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, जिसमें सबसे पहले है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा समझ भी लें कि हमें कभी कभार मेनोरेजिया हो जाता है या कभी कोई साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाता है,
तो हमें उसकी वजह से उसका तुरंत इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होना चाहिए। अभी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करने लगा है तो हमारा जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वह एकदम अच्छा होना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, जंक फूड की वजह से हमारे इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हमारा मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस दोनों भी मेंटेन रहता है, और साथ में योगा, ये सब चीजें करनी चाहिए। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आप लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपके जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और जो कम नहीं होते हैं उसके लिए आपने अपने डॉक्टर के साथ जाके सलाह जरूर लेनी चाहिए, कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। अब दूसरा जो एक बदलाव होता है वो होता है ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। यूजुअली शादी के पहले तो हम देखते हैं एज अ पेशेंट कि कोई भी अपने ब्रेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं है, एक शाइनेस कह लीजिए या अवेयरनेस न होने की वजह से। तो जो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जैसा होता है कि सबसे पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस, की आपके ब्रेस्ट में हमेशा दर्द बना रहना, या पीरियड्स के समय आपको काफी दर्द होना, या ब्रेस्ट में कोई गांठ, सिस्ट या लंप, फाइब्रॉइड के जैसे फॉर्मेशन हो जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है वो इन्वर्टेड यानी कि अंदर की तरफ खींची हुई होती है, या ब्रेस्ट असिमेट्रिकल यानी कि दोनों ब्रेस्ट का जो साइज है वह अलग अलग होता है, सेम साइज के ब्रेस्ट नहीं होते हैं, या आपके जो ब्रेस्ट है आपके एज के और वेट के हिसाब से काफी छोटे, एट्रोफी ब्रेस्ट कहते हैं हम, तो वैसा होना, या फिर साइज उनका बहुत ज्यादा बड़ा होना, एनलार्ज ब्रेस्ट होना, इस तरह के हम ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। और अगर हम इन ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समय रहते अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल लाइफ के ऊपर, वो अलग से ही, जैसे उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भी फिजिकल, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका इफेक्ट नेचुरली हमारे साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। तो हमारा लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना, ठीक से हम कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे ब्रेस्ट को लेके कि अगर हमें दिखता है कि हमारे साइज ठीक से नहीं है या बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, तो हम हमेशा उसमें कॉन्शियस रहते हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बाकी कामों में जो वो ठीक से नहीं लगता है। इसी के साथ अगर हम इन्वर्टेड निप्पल हो या एट्रोपिक ब्रेस्ट हो, कि ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट हमें आफ्टर मैरिज, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के समय दिखाई देता है, क्योंकि अगर इन्वर्टेड निप्पल होंगे तो उसमें हमें ब्रेस्ट फीडिंग के समय प्रॉब्लम आएगी, हम बेबी को ठीक से फीड नहीं कर पाएंगे। एट्रोपिक ब्रेस्ट होंगे तो आपका लैक्टेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके फिर काफी बढ़ जाते हैं अगर हम समय रहते इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो। इसीलिए हमें अपने ब्रेस्ट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है, जैसे हमने रेगुलर हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। हम जब भी नहाते हैं उस समय हमने हमारे ब्रेस्ट को प्रॉपर एग्जामिन करना चाहिए। अगर हमें थोड़ा भी कुछ अनइवन फील होता है या हमें नॉर्मल फील नहीं होता है तो हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और हमें अपने गायनेक के पास जाके उसका कंसल्टेशन करना चाहिए। हमें अपने ब्रेस्ट के रिगार्डिंग काफी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके साथ हमें जो हम लोग जो ब्रा पहनते हैं हमारे ब्रेस्ट के लिए, हमने देखा है कि ब्रा के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है गर्ल्स में या फीमेल्स में। काफी लोगों को ब्रा के डिफरेंट साइजेस होते हैं ये पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ जो कप साइज होता है ब्रा का वो सिर्फ ए बी सी इतना तक ही सीमित समझते हैं, और प्रॉपर ब्रा न पहनने की वजह से काफी बार हमारा ब्रेस्ट का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। तो हमें प्रॉपर कप साइज से ही ब्रा पहनना चाहिए। हमें जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है, स्पोर्ट्स करते समय, एक्सरसाइज करते समय हमें प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए। अगर हमारे इसमें स्लीपिंग पोजीशन अगर ठीक से ना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती है वो चेस्ट पे सो रहे हैं, तो चेस्ट पे सोने की वजह से हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो फ्लैट होने लगता है, एनलार्ज्ड होने लगता है। तो इस तरह हमको हमारे स्लीपिंग पोजीशन पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें हमारे पीरियड्स आने के साथ, हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स ना हो, उसके लिए हमें अवेयर होना काफी जरूरी है। हमें उसके साथ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी काफी जरूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से लेके और ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से लेके उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उनके जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो आपको मैंने समझाया है। तो आपको उसमें कुछ भी परेशानी हो या कोई और आपके सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। इससे अलावा इसके जो अलग अलग वीडियोज है पीरियड से लेके या आपके ब्रेस्ट फाइब्रॉइड से लेके, उसके भी अलग अलग वीडियोज बनाए गए हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है, तो आप वो लिंक भी जरूर देखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब
कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको उनमें भी ये अवेयरनेस होना चाहिए हमारे पीरियड्स और ब्रेस्ट को लेके। इसके बाद का जो हम वीडियो बनाएंगे वह होगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के दिनों में फेस किया जाता है, दैट इज अ वॉमिटिंग, जिसको लेके हम काफी परेशान रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज। तो अगला जो वीडियो होगा वो होगा वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। तब तक के लिए